विसर्जन की जा रही थी, लेकिन हालात किस कदर यहाँ पर बेकाबू इसीलिए हो गए क्योंकि यहाँ पर एक युवक की मौत हो गई। पत्थरबाजी हुई है, उसके बाद फायरिंग हुई है जिसमें एक युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। एक युवक घायल बताया जा रहा है, लेकिन हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं और हजारों की भीड़ सड़क पर इस वक्त प्रदर्शन कर रही है। भीड़ को देखकर पुलिस पीछे हट गई। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया जिसके बाद उन पर काबू करने के लिए लोगों पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे गए। देखिए, आसपास के जिलों से और फोर्स को यहां पर बुलाया गया है। इस दौरान पुलिस टीम पर पथराव भी किया गया है। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे और खुद एसपी ने हालात पर काबू पाने के लिए मोर्चा संभाल लिया। फ्लैग मार्च वहां एसपी की तरफ से किया गया। लोगों को समझाने की अपील लगातार जारी है, समझाने बुझाने की, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील लोगों से की जा रही है। लेकिन लोग यहां तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि अभी भी पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस के ऊपर, टीम के ऊपर भी पथराव हुआ जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले उनके ऊपर दागे। और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बहराइच में एक बार फिर से बवाल हुआ है। कावड़िया टोल के टोला के पास फिर से आगजनी की गई है। गुस्साई भीड़ ने कावड़िया टोला के पास आगजनी की है। तो देखिए, यहाँ पर उपद्रवी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार जो है बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से आपको बता दें, एक और इलाका है जहां पर आगजनी की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। कावड़िया टोला के आसपास जो है आगजनी की गई है। न्यूज 18 इंडिया की टीम वहां मौजूद है, जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी, लेकिन तस्वीरें फिलहाल दिखा पाना, जो ताजा तस्वीरें होंगी वो आप तक हम नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि वहां इंटरनेट सेवा पर भी पाबंदी लगा दी गई है। हम आपको तस्वीरें यहां पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, एजेंसी में वो आग के हवाले यहां पर कर दिया गया है। यहां पर देख सकते हैं, चलो, एजेंसी को आग के हवाले किया गया है। पूरे यहां पर कई घर जिनको आग के हवाले यहां पर किया गया है, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पे, न्यूज 18 इंडिया पर यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो आगजनी की तस्वीरें देखिए, मैं आपको आगजनी की तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये यहाँ ये देखिए, ये गैस एजेंसी है। हम ज्यादा पास नहीं जा सकते क्योंकि विस्फोट हो रहा है यहाँ पे। ये आगजनी की तस्वीरें हैं और ये आगजनी की तस्वीरें आप देखिए, ये एजेंसी है बाइक की, और इस बाइक की एजेंसी में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस बाइक की एजेंसी को आग के हवाले कर दिया गया है। पूरी तरीके को हर तरफ आग ही आग, जितने भी दुकानें हैं। और मैं और भी क्लोज तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाऊं। पुलिस फिलहाल यहाँ पर थोड़ी दूरी पे है, लेकिन ये देखिए पूरी तरीके से जितनी भी ऑफिसेस थे, ये एक दूसरे समुदाय का बताया जा रहा है, इसको आग के हवाले किया गया है। एक दूसरे समुदाय का है। यहाँ पर देखिए, जरा इधर आइए, इधर आइए, जरा और भी तस्वीरें हम दिखाएं, हम भी और भी तस्वीरें दिखाएं। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए, ये दवाई की दुकान है, मेडिसिन शॉप है। मेडिसिन को बाहर निकाला गया, उसके बाद मेडिसिन शॉप को आग के हवाले कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए, फोर्स भी यहाँ पर पहुंच गई है बाहर। जो यहाँ पर देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, ये मेडिसिन शॉप के अंदर के सामान है, अंदर के सामान है, उसको आग के हवाले किया गया। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या इस तरीके से आप न्याय मांगते हैं? न्याय मांगने का भी प्रोसेस होता है, लेकिन क्या इस तरीके से आप न्याय मांगते हैं? यहाँ पर देखिए आगजनी, हम केवल आगजनी की तस्वीरें दिखाएंगे कि इस इलाके में आगजनी किस तरीके से हुई है। आगजनी की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये दुकान है, इस दुकान में भी आगजनी हुई है। और मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, ये बाइकों की एजेंसी है। अंदर से धमाके की आवाज आ रही है, पीछे चलिए, अंदर से धमाकों की आवाज आ रही है। भीड़ एक बार फिर से गुस्सा हुई, भीड़ चिल्लाती हुई। और यहाँ पर जरा हम आपको और भी तस्वीरें दिखाते हैं। अंदर आइए, आराम से देखते हुए। यहाँ पर देखिए, पूरी तरीके से ये जो कैंपस है, ये आग के हवाले यहाँ पर कर दिया गया है। देखिए, और हम फिर से आपको तस्वीरें जो है, हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक ही तस्वीर आगजनी देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर आगजनी जो है वो यहाँ पर किया गया है। और एक तस्वीर हम आपको दिखाएं। और भी ज्यादा पुलिस फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय कंप्लेंट, अब पुलिस फोर्स यहाँ पर धीरे धीरे आप
उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान अधिकारी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, आप यहाँ पर देखिए, सवाल यही उठता है कि ये जो आगजनी यहाँ पर कराई गई है, ये जो आगजनी हुई है, जो एजेंसी में आगजनी हुई है, जो दुकानों में आगजनी हुई है, क्या आप इसी तरीके से न्याय मांगते हैं? हमारे देश में संवैधानिक कानून है, संविधान है, हर कुछ उस दायरे में हुआ था, लेकिन यहाँ आगजनी एक विशेष समुदाय के घर पे कोई दुकान पे टारगेट करके। और एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, ये तो बस एक हिस्सा था, एक तस्वीर देखिए, आगे केवल और भी आग है, आगे एक और भी आग है, ये विजुअल्स देखिए और इसको बताइए कि क्या इस तरीके से आप न्याय मांगते हैं।